हेलो एवरीवन आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं प्रोफेशनल एथिक्स के चैप्टर में एक नया टॉपिक जो इंस्टीट्यूट के अक्टूबर ट्वेंटी वन के स्टडी मटेरियल में ऐड किया गया है दैट इज नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन को नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन ये वर्ड अपने आप में ही अपना मीनिंग दे रहा है कि यदि लॉ एंड रेगुलेशन जो एप्लीकेबल है एक एंटिटी के ऊपर उनकी नॉन कंप्लायंस होती है अब हमें इस नॉन कंप्लायंस को किसके रेफरेंस में पढ़ना है जब हम बात कर रहे हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर हमें इस टॉपिक को पढ़ना है तो इसका मतलब यह आ गया एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट वेदर इन प्रैक्टिस और इन सर्विस प्रोफेशनल अकाउंटेंट की क्या जिम्मेदारी बनती है कि यदि वो क्लाइंट की फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन कर रहा है क्लाइंट के रिकॉर्ड को एग्जामिन कर रहा है या एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस अपने एम्प्लॉयर के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहा है और जो भी असाइनमेंट्स उसको दी गई है उनको इंश्योर कर रहा है तो उसकी नॉलेज में कोई सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस आता है तो उसको क्या करना चाहिए जब हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक स्टैंडर्ड आ जाता है एस ए टू हंड्रेड फिफ्टी दट इज कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को लॉ एंड रेगुलेशंस के बारे में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है एस पर एस ए टू हंड्रेड फिफ्टी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फॉर द कंप्लाइंस को दो कैटेगरी था दो लॉ एंड रेगुलेशन दैट डायरेक्टली अफेक्ट दल स्टेटमेंट एंड दो लॉ एंड रेगुलेशन विच डायरेक्टली नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट दे कैन अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट मीन इनडायरेक्ट अफेक्ट पड़ रहा है तो उसके रेफरेंस में टू हंड्रेड फिफ्टी ने हमें प्रोविजन बताए थे कि ऑडिटर्स की क्या ड्यूटी बनती है बट यदि एक पर्सन एसोसिएटेड है इन एनी अदर कैपेसिटी नॉट एज ऑडिटर और उसके नॉलेज में कोई नॉन कंप्लायंस आता है देन कि यदि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस किसी क्लाइंट के किसी भी असाइनमेंट पर काम कर रहा है और मान लीजिए टैक्स रिप्रेजेंटेशन का काम कर रहा है रिटर्न फाइलिंग का, का काम कर रहा है और एनी अदर एंगेजमेंट और उसकी नॉलेज में क्लाइंट का कोई लॉ एंड रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस आता है तो उसकी क्या ड्यूटी बनती है सिमिलरली इफ अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज एसोसिएटेड विद एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय तो यदि एम्प्लॉय की कैपेसिटी में काम कर रहे हैं और एम्प्लॉयर का कोई लॉ एंड रेगुलेशन जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है उसका कोई लॉ एंड रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस सामने आता है तो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हु इन द कैपेसिटी एज एन एम्प्लॉय उसकी क्या ड्यूटीज बनती हैं सो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताया गया है रिलेशन टू लॉ एंड रेगुलेशन बट दो लेवल पर कोड ऑफ एथिक्स चलता है एक इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स है और दूसरा जो हमारे इंस्टीट्यूट ने कोड ऑफ एथिक्स हमें दे रखा है तो नौ अब जो इंटरनेशनल लेवल पर कोड ऑफ एथिक्स है उसके अंदर प्रोफेशनल अकाउंटेंट की जिम्मेदारी चाहे वो प्रैक्टिस में है सर्विस में है ऑडिट पर एंगेज है या किसी और असाइनमेंट में एंगेज है उन सब की बात की बात गई है। लेकिन जब हम कोड ऑफ एथिक्स जो इंडिया में एप्लीकेबल है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर उसकी बात करते हैं तो बहुत लिमिटेड वे में एनओ सी एल ए आर की एप्लीकेशन है प्राइमरी इन रिलेशन टू द लिस्टेड एंटिटीज सो अब इस टॉपिक में जो जो चीजें स्टडी मटेरियल में ऐड ऑन की गई हैं कि नंबर 1 एनओसीएलएआर होता क्या है एनओसीएलएआर की एप्लीकेबिलिटी इंडिया में क्या है एनओसीएलएआर वर्सेस एसए 250 एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनएसीएलएआर तो जो एनओसीएलएआर है ये बेसिकली कोड ऑफ एथिक्स के अंदर एक रिक्वायरमेंट है जो एप्लीकेबल है ओवर द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स वेदर दे आर इन प्रैक्टिस और दे आर इन सर्विस तो स्टार्ट करते हैं तीन चार टॉपिक है जो इसके अंदर हमें कवर अप करने हैं फर्स्ट वन मीनिंग ऑफ एनओ सी एल ए आर एनओ सी एल ए आर है क्या एनी एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन किसी लॉ की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को इग्नोर कर देना और गलत तरीके से करना ओमिशन इग्नोर कर दिया कमीशन रॉन्ग प्रैक्टिस जानबूझकर या बाय मिस्टेक दैट आर कॉन्ट्रेरी टू द प्रीवेलिंग लॉ एंड रेगुलेशंस बाय होम बाय द क्लाइंट जब हम प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस की बात करते हैं ओर बाय द प्रोफेशनल अकाउंटेंट एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स एम्प्लॉयर क्लाइंट की गवर्निंग बॉडी या गवर्निंग बॉडी ऑफ एम्प्लॉयर मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट और मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयर और अदर इंडिविजुअल्स वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ और वर्किंग फॉर द क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स यहां पर जो एनओसीएलएर को डिफाइन किया गया है वो इन रिलेशन टू टू पर्सन एक इन रिलेशन टू प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और दूसरा प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हु आर इन सर्विस जो सर्विस के अंदर है एक सेकेंड सो so, एक वर्ड है मेरे पास प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस तो यदि हम जो मेंबर्स प्रैक्टिस में हैं उनके रेफरेंस में बात करें उनके क्लाइंट ने कोई नॉन कंप्लायंस की क्लाइंट की गवर्निंग बॉडी ने कोई नॉन कंप्लायंस की मैनेजमेंट ने नॉन कंप्लायंस की और अदर दैट आर वर्किंग फॉर और अंडर द दशन ऑफ द क्लाइंट या फिर जब मैं इन रिलेशन टू मेंबर्स इन सर्विस के रेफरेंस में बात करता हूं उसके एम्प्लॉयर ने कोई नॉन कंप्लायंस किया एम्प्लॉयर की गवर्निंग बॉडी ने कोई नॉन कंप्लायंस किया लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मैनेजमेंट ऑफ द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन और अदर एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन सो जो एनओ सी एल ए आर है बेसिकली है क्या एन एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन वेदर डन इंटेंशनली और इंटेंस और अन इंटेंशनली दैट आर डेट्रीमेंटल टू द प्रिवेलिंग लॉ एंड रेगुलेशन दैट आर कमिटेड इधर बाय क्लाइंट और गवर्निंग बॉडी और मैनेजमेंट और अदर पर्सन वर्किंग फॉर और अंडर द डायरेक्शन ऑफ क्लाइंट और एम्प्लॉय अब बात करते हैं एनओसीएलएर की एप्लीकेबिलिटी क्या है इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है जो इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स है इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट उनका जो कोड ऑफ एथिक्स है उन्होंने एनओ सी एल ए आर एप्लीकेबल कर रखा है ऑल असाइनमेंट मीन यदि मेंबर इन प्रैक्टिस ऑडिट सर्विस देता है रिव्यू सर्विस देता है कंपाइलेशन सर्विसेज देता है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है रिप्रेजेंटेशन की सर्विसेज देता है कोई भी एनओसीएलएआर की एप्लीकेबिलिटी इन रिलेशन टू इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल असाइनमेंट इन केस ऑफ मेंबर इन प्रैक्टिस एंड टू ऑल एम्प्लॉयर्स इन केस ऑफ मेंबर्स इन सर्विस लेकिन जब हम इंडियन रेफरेंस में बात करते हैं देन इसकी एप्लीकेशन अभी लिमिटेड है कहां पर आईसीएआई के कोड में जो एप्लीकेबिलिटी है एनओ सी एल की दट इज ऑडिट असाइनमेंट सिर्फ किसकी लिस्टेड एंटिटीज की इन केस ऑफ मेंबर इन प्रैक्टिस एंड जब हम मेंबर इन सर्विस की बात करते हैं देन

ऑल एम्प्लॉय लेकिन जब हम आईसी कोबल इन रिलेशन टू में वो आर वर्किंग इन दिस्टेड एंटिटीज ओनली तो इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जो एनओ सी एल ए आर है इंडिया में दट इज एप्लीकेबल ओवर audit assignments of listed entities non assurance assignments of listed entities audit assignments of all entities listed as well as unlisted non assurance assignments of all entities answer ऑडिट असाइनमेंट ऑफ लिस्टिंग एंटिटीज ओनली एनओ सी एल ए आर एप्लीकेबल होगा यदि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट एनकाउंटर्स और इज मेड अवेयर ऑफ एनी नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस इन द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विस टू अ क्लाइंट डेफिनेटली तभी एप्लीकेबल होगा यदि उसको कोई नॉन कंप्लायस आइडेंटिफाई होता है या उसको कोई सस्पिशन है नॉन कंप्लायस का दो ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट उसको नॉन कंप्लायस के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी जैसे फ्रॉड के रेफरेंस में हम बात करते हैं क्या फ्रॉड की प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नो दो वाइल कैरिंग आउट द ऑडिट इफ एनी इंस्टांसिस ऑफ फ्रॉड उसको पता चलता है देन ही इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स एज रिक्वास ए टू हंड्रेड फोर्टी तो सिमिलरली ऑडिटर की जिम्मेदारी नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन की इन्वेस्टिगेशन की नहीं है वो उसकी कंपिटेंसी से बाहर का एरिया माना जाएगा बिकॉज उसको जो लॉ एंड रेगुलेशंस की नॉलेज है वो सिर्फ उतनी चाहिए हम उससे उतनी नॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट नॉट एक्सपर्टीज नॉलेज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज एक्सपेक्टेड टू अप्लाई द नॉलेज एंड एक्सपर्टीज एंड एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट हाउ एवर ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव अ लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन ग्रेटर दैन दट इज विच इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द असाइनमेंट हम कोई कंप्लायंस ऑडिट थोड़ी कर रहे हैं हम सेक्रेटेरियल ऑडिट थोड़ी कर रहे हैं कि हम लॉ की कंप्लायंस के ऊपर अपनी रिपोर्ट देते हैं नो तो ऑडिट असाइनमेंट या कोई भी और असाइनमेंट हम करते हैं इन दैट केस हमसे लॉ की उतनी नॉलेज एक्सपेक्ट की जा सकती है जितनी उस पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए रिक्वायर्ड है तो एक असाइनमेंट को करते वक्त हमें जितनी लॉ की नॉलेज है उसके बेसिस पर यदि हमारे सामने कोई लॉ की नॉन कंप्लायंस आती है देन के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे जिसमें हमें कहा जाएगा वी नीड टू डिस्कस इट विद द मैनेजमेंट वी नीड टू आस्क द मैनेजमेंट टू टेक द करेक्टिव स्टेप इफ द मैनेजमेंट टेक द करेक्ट इफ मैनेजमेंट टेक करेक्टिव स्टेप्स देन इट इज ओके इफ दे डू नॉट टेक द करेक्टिव स्टेप्स हमें क्या करना चाहिए किस टाइम पर हमारी जिम्मेदारी बनती है टू टू कम्युनिकेट द मैटर टू द एनफोर्समेंट एजेंसीज टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज वो सब बातें एनओसीएलआर के प्रोसीजर्स के अंदर आती है कि इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी प्रोफेशनल असाइनमेंट ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट अगर एनकाउंटर विद एनी नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन व्हाट इज द प्रोसीजर ही नीड टू फॉलो वेदर एन एक्ट कॉन्स्टिट्यूट नॉन कंप्लायंस और नॉट क्या इसका डिसीजन प्रोफेशनल अकाउंटेंट ले सकता है नो no. बिकॉज हम प्रोफेशनल अकाउंटेंट से एक्सपेक्ट ही नहीं करते नॉलेज ऑफ लॉ सो इन सिचुएशन के अंदर कि क्या एक एक्ट नॉन कंप्लाइंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा इट इज नीड टू बी डिसाइडेड बाय जुडिशियल बॉडी और एडजुडिकेटिंग बॉडी जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज हैं या जुडिशियल अथॉरिटीज हैं लाइक कोर्ट वो डिसीजन लेंगे इस चीज का वेदर एन एक्ट

मिसकंडक्ट के मैटर हैं दे आर नॉट कवर्ड इन एनओ सी एल ए आर एंड एज पर इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स की अकॉर्डिंग अथॉरिटी को डिस्कलोजर आप तभी करेंगे जब इट इज रिक्वायर्ड बाई लॉ बट आप उसको प्रिक्लूड कर सकते हैं इफ इन डूइंग सो इट वुड बी कॉन्ट्रेरी टू लॉ एंड रेगुलेशन मीन्स जहां पर आपकी ड्यूटी बनती है टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द्लाइंट इंफॉर्मेशन आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप इस मैटर को रिपोर्ट करें लाइक आपने कुछ क्वेश्चंस भी पढ़े होंगे कि वाइल कैरिंग आउट द ऑडिट असाइनमेंट ऑडिटर बिकम अवेयर दैट सर्टेन इन इन द रिकॉर्ड आर देयर एंड uh, उसने ये बातें रजिस्ट्रार को बताई ऐसे क्वेश्चन भी आपने स्टैंडर्ड में भी प्रोफेशनल एथिक्स में भी कंपनी ऑडिट के चैप्टर में भी पढ़े हैं तो हम उसमें क्या कहते हैं ऑडिटर की कोई ड्यूटी ही नहीं थी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करने की अनलेस इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ जैसे फ्रॉड की रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू रिपोर्ट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इंडिविजुअली इज इन एक्सेस ऑफ रूपीज वन करोड़ रूपीज अरवाइज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्निंग बॉडी तक की है रिपोर्टिंग की सीजी को रिपोर्ट थोड़ी करता है वो तो वही चीज यहां पर मेंशन है कि जो एप्लीकेबिलिटी है एनओ सी एल ए आर की इंटरनेशनल लेवल पर यदि हम बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस के रिलेशन में सारी असाइनमेंट्स पर एनओसीआर एप्लीकेबल होगा और जो मेंबर इन सर्विस हैं ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयर्स ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयर्स आर कवर्ड लेकिन जब हम ICAI की कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं लिस्टेड एंटिटीज की ऑडिट असाइनमेंट इन केस ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस एंड इन केस ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस ओनली दोप्लॉइज हु आर वर्किंग इन लिस्टेड एंटिटीज आर कवर्ड। सो दिस इज अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनओ सी एल ए आर इन इंडिया नो वॉट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द एनओसी एंड स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 250 जो हमारा एस 250 है ये एप्लीकेबल है ओनली इन रिलेशन टू ऑडिट असाइनमेंट नॉट ऑन अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट लेकिन जब हम एनओ सी एल ए आर की बात करते हैं पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स देन सारी ऑडिट असाइनमेंट पर एनओसीएलएर ऑल्सो एप्लीकेबल ओवर द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस पर बट आईसी के कोड ऑफ एथिक्स की बात करें तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस पर भी एप्लीकेबल होगा ये ऑडिट लिस्टेड एंटिटीज की audit पर वो तो कॉमन ही बात हो गई हाउ एवर एनओ सी एल ए आर इज एप्लीकेबल ऑन प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस एज वेल एज इन प्रैक्टिस यदि हम प्रैक्टिस की बात करते हैं इट अप्लाइज़ टू ऑडिटर एज वेल एज प्रोफेशनल सर्विस अदर देन ऑडिट लेकिन ये कहां पर ओनली इन केस ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स नॉट इंडियन कोड ऑफ एथिक्स इंडिया के कोड ऑफ एथिक्स में सिर्फ ऑडिट एंटिटीज कवर है लिस्टेड एंटिटीज की प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के रिलेशन में अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट कवर नहीं है हाउ एवर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट वेरी एज पर देर रोल एज पर द रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एक डिफरेंस एप्लीकेबिलिटी का हो गया एस ए टू फिफ्टी की एंड एन एल ए आर की नंबर दो दूसरा डिफरेंस एस ए टू फिफ्टी टॉक्स अबाउट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर लॉ दैट है डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ मेटीरियल अमाउंट एंड डिस्कलोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर लॉ एंड रेगुलशन दैट डू नॉट हैव ए डायरेक्ट

बिजनेस लेकिन जब हम एनओ सी एल ए आर की बात करते हैं ये और एक स्टेप आगे चला जाता है और सारे लॉ की कवरेज कर लेता है जिससे भी कोई नुकसान पहुंच सकता है स्टेक होल्डर्स को स्टेक होल्डर की डेफिनेशन दे रखी है एनओसीएलएर ने इसमें इन्वेस्टर क्रेडिटर गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब कवर है एनओ सी एल ए आर वाइल बींग अलाइक टू एस ए टू फिफ्टी टिल दिस पॉइंट एस ए टू फिफ्टी की बातों को तो कवर कर ही रहा है बट आगे चलता है कंसिडरिंग नॉन कंप्लाइंसिस दैट कॉजि सबस्टांशियल हार्म रिजल्टिंग इन सीरियस कॉन्सिक्वेंसिस इन फिनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल टर्म्स एक स्टेप आगे है नेक्स्ट एस ए टू फिफ्टी डज नॉट डिफाइन द स्टेक होल्डर्स लेकिन एनओसीएलएर इज रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑन इन्वेस्टर क्रेडिटर एम्प्लॉय जनरल पब्लिक सबकी बात करता है एज पर एनओ सी एल ए आर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस प्रोफेशनल अकाउंटेंट माइट बिकम अवेयर ऑफ इवेंट ब्रीच ऑफ लॉ और रेगुलेशन दैट वुड कॉज सब्सटांशियल हार्म टू इन्वेस्टर क्रेडिटर एम्प्लॉयज जनरल पब्लिक

यदि डिस्क्लोजर दिया जाता है इफ डिस्क्लोजर इज मेट दैट डिस्क्लोजर इज परमिटेड लेकिन इस एक्सटेंट तक ऐसे 250 के अंदर प्रोविजन नहीं है ऐसे 250 क्या कहता है नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड टू बी कम्युनिकेटेड टू कम्युनिकेटेड टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज वेन रिक्वायर्ड बाई लॉ एंड रेगुलेशन वेन रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन लेकिन एनओ सी एल ए आर में एक स्ट्रिक्ट आस्पेक्ट आ गया कि यदि प्रोफेशनल अकाउंटेंट को किसी लॉ एंड रेगुलेशन की इमिनेंट ब्रीच के बारे में पता चलता है जिससे उसको लगता है कि सबस्टांशियल हार्म हो सकता है स्टेक होल्डर्स को इन्वेस्टर्स को क्रेडिटर्स को एम्प्लॉय को जनरल पब्लिक को देन बिसाइड कंसिडरिंग

प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की जिम्मेदारियां बताई है इन रिलेशन टू कम्युनिकेटिंग द नॉन कंप्लायंसिस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन टू द अप्रोप्रियट अथॉरिटीज ऑन अ टाइमली बेसिस बट ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सिंसियरिटी के साथ फुलफिल करनी होंगी ऐसा नहीं कि आपको कोई भी नॉन कंप्लायंस मिली बिना आपके पास एविडेंस हुए आप जाकर अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के पास पहुंच गए उनको जाकर आपने कम्युनिकेट किया कि ऐसे ऐसे मेरे, मुझे लगता है कि कोई लॉ की नॉन कंप्लायंस हुई है और लॉ की नॉन कंप्लायंस वो जिनके कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट है दैट कैन कॉज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल हार्म स्टेक होल्डर्स सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टॉपिक एनओ एंड एस ए फर्स्ट वन एनओ सी एल ए आर एप्लीकेबल है ऑडिट एज वेल एज अदर एंगेजमेंट पर लेकिन एस ए टू फिफ्टी वो लिमिटेड है ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर ने बात की है, की है डायरेक्ट लॉस एंड इनडायरेक्ट लॉस की लेकिन जो एनओ सी एल ए आर है वो इससे एक स्टेप आगे बढ़ता है और बात करता है उन सारे लॉस की जिनकी नॉन कंप्लायंस के कॉन्सिक्वेंसिस हार्मफुल इफेक्ट रखने की पावर रखते हैं एनओ no में स्टेक होल्डर्स में इन्वेस्टर्स क्रेडिटर्स एम्प्लॉज जनरल पब्लिक सभी कवर हैं, बट एस ए टू फिफ्टी ने एनओ सी एल ए आर एस ए टू फिफ्टी ने एज सच कोई स्टेक होल्डर की डेफिनेशन ही नहीं दी देन एक्सेप्शनल no सर्कमस्टिस के अंदर जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है उसकी यदि नॉलेज में कोई ऐसी इमिनेंट ब्रीच आती है जिससे उसको लगता है कि सब्सटांशियल हार्म हो सकता है स्टेक होल्डर को देन हैविंग कंसीडरिंग दैट कि मुझे ये मैटर मैनेजमेंट टी को बताना है ही नीड्स टू कंसिडर वेदर इट नीड टू बी रिपोर्टेड टू द एडुडिकेटिंग अथॉरिटीज अप्रोप्रिएट अथॉरिटीजली बेसिस ताकि इस हार्म को रोका जा सके बट एसए टू फिफ्टी के अंदर इतने डिटेल्ड प्रोविजन एज सच अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स इन एनओ सी एल एस ए दो सौ पचास की अपनी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स है वो सारी एनओसीएलएर में है एनओसीएलएर में कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स भी है रिवाइज कोड ओवर एंड अबव रिक्वायर द प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू फोलो द एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स एज अंडर नंबर वन मैनेजमेंट एंड गवर्निंग बॉडी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है इस मैटर पर जब आपको कोई नॉन कंप्लायंस पता चला था देन आपने उस नॉन कंप्लायंस को इन्फॉर्म किया टू द मैनेजमेंट एंड टीसी डब्ल्यू जी हाउ दे रिस्पॉन्ड उ दे रिस्पॉन्स कोर्स ऑफ एक्शन जो आपको लगता है होना चाहिए जो जजमेंट्स आपने ली हैं जो डिसीजन आपको लगता है कि ये नॉन कंप्लायस के इफेक्ट को कम कर सकते हैं वो डिसीजन हैविंग रिगार्ड टू रीजनेबल एंड इंफॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट बिसाइड दिस वी नीड टू डॉक्यूमेंट हाउ अकाउंटेंट सेटिस्फाइड हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट है मैनेजमेंट एंड गवर्निंग बॉडी रिस्पॉन्ड टू दिसर्स ऑफ एक्शन जजमेंट मेड एंडीजन दैट वर टेकन एंड थर्ड वन हाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक इंटरस्ट हाउ इट इज बीन फुलफिल्ड ये so, ये जो जो है ये तीन ने ने कैसे कैसे किया, Course of action, जो accountant ने consider किया, उसने judgments कैसे ली, कैसे हैिटी टूवर्ड्स पब्लिक इंटरेस्ट को फुलफिल किया गया इन तीन मैटर्स के अलावा जो बाकी ऐसे 250 की डॉक्यूमेंटेशन है वो तो करनी ही करनी है ये डॉक्यूमेंटेशन इट इज

डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स विदेंट विद्लू जी एंडेशन ऑफ डिस्कशन क्या क्या चीज क्या मैटर डिस्कस किया गया कब डिस्कस किया गया एंड विदिस्कशन टेक्स प्लेस ये बात एस ए टू हंड्रेड थर्टी में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी लिखी गई है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिस्कशन में थर्ड वन डॉक्यूमेंट द आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायस एंड रिजल्ट ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस मैटर विद्ल्यू जी एंड अदर पार्टीज आउटसाइड दी तो यह तो तीन जो एस ए की डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है वो प्लस तीन एडिशनल मैटर जो एनओ सी एल ए आर ने कहे हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए हाउ मैनेजमेंट रिस्पॉन्ड टू दिस मैटर उ द रिस्पिबिलिटी टूवर्ड्स पब्लिक इंटरेस्ट है तो यह हमारा एक टॉपिक था प्रोफेशनल एथिक्स का इन रिलेशन टू एनओ सी एल ए आर जो स्टडी मटीरियल के अंदर एड ऑन किया गया है तो अब इसके अंदर क्वेश्चन यदि बनाना चाहें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है पूछा जाना क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स के अंदर टॉपिक वैसे ही इतने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके ऊपर केस स्टडीज एक से एक केस स्टडीज बनाई जा सकती है बट नया टॉपिक है एग्जामिनर को लगे कि हाँ मुझे इस पर क्वेश्चन बनाना चाहिए देन क्वेश्चन बना सकता है वट आर द डिफ्रेंश

इस मैटर के ऊपर थियोरेटिकल क्वेश्चन ही बनता है केस स्टडी बनती नहीं और प्रोफेशनल एथिक्स ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ टाइम आती है। सो so, एक बार लर्न कर लीजिएगा हो सकता है नया टॉपिक कंसीडर uh, करके एग्जामिनर पेपर सेटिंग के टाइम इसके ऊपर भी कोई थिरेटिकल क्वेश्चन फ्रेम कर दे सो दिस इज ऑल फॉर एनओ सी एल ए आर तो इस सेशन को करेंगे ओवर और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय